Assalamu alaikum students, welcome to Zaheen Dost official YouTube channel. Today we will discuss the most awaiting topic, how to get scholarships at Nust. तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से स्कॉलरशिप्स को ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं नस्ट में. तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको रिसीव हो सकें. तो चलिए चलते हैं कि आज के टॉपिक की तरफ कि आप नस्ट में किस तरह से स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने एनईटी के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने वहां पर देखा होगा कि आपको वहां पर भी एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का ऑप्शन आ रहा होता है. तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टूडेंट पूछते हैं कि कितने टाइप्स की स्कॉलरशिप्स जो है वो नस्ट ऑफर कर रही है और उसमें अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, ये आज की कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे. तो चले चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कितने टाइप्स की जो है स्कॉलरशिप्स होती हैं नस्ट में. तो स्टूडेंट्स, जो इस तरह के मैंने आपको भी बता रहा था कि आपको जो अप्लाई के वक्त जो जो आपको लिखा हुआ आ रहा होता है कि नस्ट फाइनेंशियल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, दैट इज़ द टॉप ऑफ नस्ट स्कॉलरशिप जो आपको नीड बेस्ड प्रोवाइड करता है नस्ट. इसके बाद आपको एकेडेमिक बेस्ड स्कॉलरशिप भी नस्ट प्रोवाइड करता है. अदर स्कॉलरशिप्स लाइक HEC स्कॉलरशिप, PEEF स्कॉलरशिप, डालडा स्कॉलरशिप, USAID स्कॉलरशिप एंड मैनी अदर स्कॉलरशिप्स, जिनके बारे में हम आपको वक्ता फ़क्ता भी वीडियोज़ के थ्रू गाइड करते रहेंगे. तो स्टूडेंट्स, जो मेन स्कॉलरशिप है वो वही है जो आप NET में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको एक ऑप्शन आ रहा होता है कि अप्लाई फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसमें आपको डिफरेंट सेक्शंस में आपसे पूछा जाता है, आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन, आपके इनकम के बारे में पूछा जाता है, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा जाता है, आपके एसेट्स के हवाले से पूछा जाता है. तो स्टूडेंट्स, इन तमाम चीज़ों को जो है आपने बहुत केयरफुली से फिलअप करना है. तो स्टूडेंट चलते हैं नस्ट नीड बेस्ड फाइनेंशियल स्कॉलरशिप की तरफ कि उसको आप किस तरह से अवेल कर सकते हैं. तो इसके अंदर आपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होता है, जिसमें आपने केयरफुली उसको अप्लाई करना है. और एक जो बात है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने वहाँ पर करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. तो स्टूडेंट, जो आपने बहुत केयरफुली जो आपने चीज़ें एंटर करनी है वो आपने इंफॉर्मेशन ये एंटर करनी है कि आपने जो भी आपसे पूछा गया वो आपने बिल्कुल सच बताना है. वहाँ पे स्पेशली जब फादर इनकम के बारे में आपसे पूछा जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स वहाँ पर जो है वो कम इनकम लिख देते हैं. तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी स्कॉलरशिप्स को स्कॉलरशिप्स के जब उसकी असेसमेंट की जाती है कि कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, तो वो आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं और जो आपकी इनकम है, नेट इनकम है, उसको देखा जाता है, ना कि आपकी ओनली फादर इनकम को देखा जाता है. जितने भी आपके एसेट्स होते हैं उन चीज़ों को साथ में देखा जा रहा होता है. और इसके साथ साथ आपके जितने एक्सपेंडिचर कितने हैं, लाइक अगर आपके बहन भाई ज़्यादा हैं और आपके जो डिपेंडेबल जो है फादर के ऊपर जो डिपेंडेबल हैं वो ज़्यादा हैं पर्सनस, तो फिर उस हिसाब से वो देखा जाता है. तो इसलिए आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके रियल इनकम है, जो आपके रियल एसेट्स हैं, क्योंकि एट द लेटर ऑन नस्ट की टीम जो है वो आपको उसको विजिट करके भी देख सकती है, चेक कर सकती है, वो आपको उसको वेरीफाई भी लेटर ऑन कर सकते हैं. तो इसलिए आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने करेक्ट उस फॉर्म के अंदर देनी है. तो स्टूडेंट जो है एकेडमिक स्कॉलरशिप होता है वो बेसिकली जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में 4 GPA सिक्योर करते हैं तो उसको 18,000 जो है वो पर मंथ स्कॉलरशिप दी जाती है. तो ये लेकिन स्कॉलरशिप अभी लास्ट ईयर से भी कुछ स्टूडेंट को नहीं मिली, तो इसके लिए भी कंफर्मेशन नहीं है कि अभी ये उनका क्राइटेरिया चल रहा है या वो अभी उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया. अदरवाइज़ पहले जो है वो 4 GPA को 18,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप दिया था. मेरिट बेस के अंदर जो NET टेस्ट के अंदर जो टॉपर्स होते हैं उनको भी दी जाती हैं स्कॉलरशिप. टॉप 3 और 10 को जो है कम स्कॉलरशिप जो है वो नस्ट प्रोवाइड करती है. तो स्टूडेंट जो मेन स्कॉलरशिप होता है वो वही फाइनेंशियल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, जो कि आपने जिसका फॉर्म आपको आपके उसी अकाउंट के अंदर आ रहा होता है ऑप्शन, वो आपने पहले अप्लाई कर देना है. ये आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन उस टाइम आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, कुछ टाइम भी फिर बाद में ज़्यादा लग सकता है डॉक्यूमेंट्स की प्रोविज़न में, या फिर इस प्रोसेस को डिले हो सकता है, लाइक आपको 1 साल के बाद शायद मिले या आपको 1.5 साल के बाद मिले. बेटर यही है कि आप अभी जब NET 3 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या किसी भी NET के लिए आप अप्लाई करें तो आप साथ में ही इस फॉर्म को फिलअप कर दें, ताकि जो है आपका अभी से आपका जो है उसके ऊपर प्रोसेस एंड वर्कआउट शुरू हो जाए और आपको जो है स्कॉलरशिप है वो आप उसको अवेल कर सकें.
तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी जो फीस होती है वो आपने देनी होती है कि जो कि अराउंड अबाउट 1 लाख समथिंग होती है वो आपने देनी होती है। उसके बाद से आपको जो भी प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड आपको फर्दर आपको जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। तो स्टूडेंट जो अदर स्कॉलरशिप्स क्या है उसके अंदर आपकी HEC स्कॉलरशिप है, आपकी US एड स्कॉलरशिप है और उसके बाद आपकी जो PIF स्कॉलरशिप्स हैं। इन स्कॉलरशिप्स के बारे में नस्ट इसको डील नहीं करती, बल्कि आपने डायरेक्ट इनके वेबसाइट्स पे जाकर आपने उनको फॉर्म फिलअप करने होते हैं उनकी। इसलिए आप रेगुलरली यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड्स को भी देखते रहें और साथ साथ आप जो है इन साइट्स को HEC की आप वेबसाइट को विजिट करें और PIF की ऑफिशियल साइट्स को विजिट करें, USAID की आप साइट को विजिट करते रहें रेगुलरली। जैसे ही उनकी अनाउंसमेंट हर साल आती हैं तो आप उनको उनकी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में जो है आप इन चीज़ों को आप इसमें अप्लाई करें। और एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने बिल्कुल करेक्ट प्रोवाइड करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन ये भी आता है कि कितनी फादर इनकम हो तो उसमें हमें स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इट डजेंट मैटर कि लाइक अगर आपकी 50,000 भी फादर की इनकम है लेकिन आपकी एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो आपके रियल एक्सपेंडिचर्स हैं, आपकी फ़ीस हैं, आपके भाइयों की बहनों की जो ख़र्चा है, जो घर का एक्सपेंस है, वो अगर काफ़ी ज़्यादा है इनकम से तो देन आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और जो है जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो आपको देनी पड़ती है जो कि 1 लाख समथिंग है और उस वो आपने पे लाजमी करनी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका एडमिशन होता है। तो स्टूडेंट फर्दर जो है जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं इनके बारे में, अदर स्कॉलरशिप, HEC स्कॉलरशिप, USAID स्कॉलरशिप, इसके बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि आप उनमें कैसे आपने अप्लाई करना है, कब वो स्कॉलरशिप्स आती हैं, तो उनकी तमाम तर जो डिटेल्स हमारे इस चैनल के ऊपर आएंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।